हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड से पैसा कैसे निकाल सकते हैं। इसकी कुछ इजी स्टेप बताऊंगा आपको, जिससे आप 1 से 2 मिनट के अंदर यूटीआई म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये मेरा यूटीआई म्यूचुअल फंड का एप्लीकेशन है, जिसको मैंने ओपन किया है। इसके अंदर माय पोर्टफोलियो में जाएंगे। जैसे माय पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे, आपके सामने आपका पोर्टफोलियो आ जाएगा। और गाइस, इसमें मैंने मतलब बहुत कम पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, क्योंकि मैंने अपना पैसा मैक्सिमम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है। और ये मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए ही ये भी इसमें इन्वेस्ट कर रखा है ओनली। तो देखिए, फोलियो डिटेल आ रही है नीचे आपकी। फोलियो डिटेल पे नीचे क्लिक करेंगे तो आपके सामने अपने जो फोलियो ले रखे हैं उसके प्लान आ जाएंगे। तो मेरे पास इसके अंदर 2 प्लान है। एक यूटीआई फ्लैक्सी कैप फंड है, जिसमें पर मंथ 1000 रुपये का था, ये अभी मैंने इसको बंद करा दिया है, तो 1000 रुपये इसका था। और दूसरा है यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड, ये भी डायरेक्ट ग्रोथ है। और गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी कोई म्यूचुअल फंड का प्लान लेना है तो आपको डायरेक्ट ग्रोथ में लेना है। उससे क्या होगा, वो आप किसी एजेंट के थ्रू आपका पोर्टफोलियो नहीं होगा, जिससे जो एजेंट को कमीशन जाता है वो नहीं जाएगा, जितना पैसा होगा वो आपको ही मिलेगा। तो इसलिए कमीशन से बचने के लिए डायरेक्ट ग्रोथ ऑप्शन के अंदर ही अपने म्यूचुअल फंड बनाएं। तो जैसे गाइज, यूटीआई फ्लैक्सी कैप है, इसमें देख रहे होंगे कि करंट वैल्यू 2167 रुपये है। तो यदि मुझे यहाँ से पैसा विड्रॉल करना है तो आप देखिए, जो यूटीआई फ्लैक्सी कैप के पास में 3 डॉट दिखाई दे रहे होंगे, इन 3 डॉट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है, परचेज, रिडम्पशन, स्विच, SIP। तो यदि मान लो आपको कोई नई SIP शुरू करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और यदि रिडम्पशन करना है, पैसे निकालने हैं, तो रिडम्पशन पे क्लिक करना है। तो कैसे एक नई SIP शुरू कर सकते हैं इसमें, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो आज हम केवल पैसे निकालने पे चर्चा करेंगे कि कैसे हम इससे पैसा निकाल सकते हैं। तो रिडम्पशन पे क्लिक करोगे, रिडम्पशन पे क्लिक करने के बाद में देखो, ये आपके पास स्कीम नेम आ गया, यूटीआई फ्लैक्सी कैप फंड, और इसके अंदर अमाउंट आपका दिखा रहा है 2167 रुपये। ये नीचे मेरे बैंक की डिटेल आ रही है, इसको चेक कर लेना है। इसको चेक करने के लिए आपका जो भी है, चेक करने नीचे आ रहा है सेलेक्ट रिडम्पशन वैल्यू। इसके अंदर देखो रिडम्पशन टाइप आ रहे हैं, अलग अलग रिडम्पशन यूनिट आ रहे हैं, एक रिडम्पशन वैल्यू आ रही है। तो आपको रिडम्पशन वैल्यू पे क्लिक करना है। रिडम्पशन वैल्यू के बाद क्लिक करने के बाद में एंटर रिडम्पशन वैल्यू, मान लो मुझे 1000 रुपये निकालने हैं, मैंने इसमें 1000 रुपये को सिलेक्ट कर दिया और इसको डन कर दिया। डन करने के बाद आप गाइस देखोगे कि जो मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाएगा। ये OTP मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे सेंड हो गया। और जैसे ही मैं यहाँ पे OTP डाल के इसको सबमिट करूँगा तो मेरा पैसा विड्रॉल हो जाएगा। लेकिन मुझे पैसा विड्रॉल करना नहीं है अभी। तो यदि आपको विड्रॉ करना हो तो आप यहाँ पे अपना OTP लिखें, और ये ऊपर देखो इसमें लिखा हुआ आ रहा है कि द OTP सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, और लास्ट का नंबर भी दिखाई दे रहा है। तो आपको पता लग जाएगा कि आपका मोबाइल नंबर, किस मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा और कौन सा मोबाइल नंबर आपके इसमें लिंक हो रखा है। OTP को जैसे सबमिट करोगे तो 3 से 4 वर्किंग डेज में आपके पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो गाइज, आज के लिए इतना ही। और बहुत ही इजी है म्यूचुअल फंड से पैसे निकालना, तो आपको ज़्यादा सोचने की, विचार करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से अपने ही मोबाइल से पैसे निकाल सकते हैं। क्योंकि गाइज, मैंने देखा है कि बहुत लोग जिन्होंने यूटीआई म्यूचुअल फ़ंड कर रखा है, उनको पैसे निकालने में बहुत दिक्कत आती है, और वो दूसरे लोगों के पास जाते हैं कि इसमें से कैसे पैसा निकालें, आप हमें इसके बारे में बताओ। तो गाइज, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से 2 से 3 स्टेप है इसके अंदर, आप आराम से अपना जितना चाहो उतना पैसा निकाल सकते हो। ना कोई लिमिट है इसके अंदर, आप 500 भी निकाल सकते हो, 1000, 2000, 5000, जितना भी निकालना चाहो। जितनी आपकी करंट वैल्यू है आज के टाइम पे, उतना तक पैसा आप निकाल सकते हो।
तो गाइस आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।